हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O इज। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। सो आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो या फिर स्टीरो केमिस्ट्री में डिफरेंस हो, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट उनका डिफरेंट हो, ठीक है। तो हमें आइसोमेरिक एल्कोहल्स बोला हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप कार्बन हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये या तो अल्कोहल बना सकता है या ईथर बना सकता है। सो हमसे तो अल्कोहल्स पूछा गया है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स पूछा गया है, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर एक बार देखते जाते हैं। सो देखिए, एक तो आपका क्या बन सकता है, ये बन सकता है सी 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 एंड ओ। ओ के साथ में एच ऑब्वियसली आएगा, अल्कोहल है। तो हाइड्रोजन देख लीजिए, 1 2 3 ये बॉन्ड फ्री छोड़ देगा, हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 और 10वां हाइड्रोजन ये रहा। तो एक आइसोमेरिक एल्कोहल तो ये हो गया जो कार्बन चेन लेंथ 4 की बनी है और फर्स्ट कार्बन पे ही OH है, ठीक है। फिर से हम 4 कार्बन की चेन लेंथ बनाते हैं और OH ग्रुप को सेकंड पे लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन फिर से सेटिस्फाई करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रहे हैं, कार्बन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि आप 3 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3, ठीक है। OH को यहाँ लगा दो, ठीक है, एंड हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन रहता है तो उस कार्बन को यहाँ लगाओ और 7 8 9 और 10, ये पॉसिबिलिटी हो गई। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है कि हम ऐसे कर ले, 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और एक चौथे कार्बन को हम सेकेंड पोजीशन पे लगा देते हैं, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए। सो ये 4 टाइप के आपके आइसोमेरिक एल्कोहल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी को हमने मतलब हाइड्रोक्साइड की जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसकी कनेक्टिविटी को डिफरेंस में दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर नेम बोलूं तो ये हो जाएगा 1-ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल। ये क्या हो जाएगा आपका, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, या सो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटी। 4 तरीके के आपके आइसोमेरिक एल्कोहल्स बन सकते हैं। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।